नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सुरेश चंद्र ब्लॉग्स में। दोस्तों हरिद्वार में मैं आज आपको महामाया के दर्शन कराने जाऊंगा दोस्तों, जो कि माँ की जो 52 शक्तिपीठ हैं उसमें से प्रथम शक्तिपीठ माँ महामाया का मंदिर है। मैं आपको आज दर्शन कराऊंगा। और दोस्तों पंचपुरी में एक पुरी यही है और प्रमुख पुरी भी है दोस्तों। चलो दोस्तों रास्ते में मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है जो कि भारत की शान है, गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दोस्तों ये प्रथम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनके बराबर अभी तक कोई नहीं हुआ। दोस्तों सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये आप माँ गंगे के दर्शन कर रहे हैं और सामने ही आप धनुष पुल भी देख रहे हैं। दोस्तों इस समय हूँ मैं हर की पैड़ी में। दोस्तों आपको मैं हर की पैड़ी से ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ पर माँ गंगे के दर्शन करवा के तब दोस्तों मैं महामाया के मंदिर में हम जाते हैं। दोस्तों हरिद्वार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से महामाया का मंदिर जो है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है और हर की पैड़ी से 3 से 3.5 किलोमीटर। चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बहुत सुंदर मार्केट है हरिद्वार का, यहाँ पर आपको सभी धार्मिक चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और बहुत ही दर्शनीय जगह है दोस्तों, आप दर्शन करिए मार्केट के। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ मंदिर का जो नाम है महामाया मंदिर, दोस्तों माया से मंदिर का कुछ लेना देना नहीं है, जबकि ये मतलब माँ सती का मंदिर है। दोस्तों माँ सती का ये प्रथम सिद्धिपीठ है, शक्तिपीठ है, आप आइए दर्शन करिए यहाँ। मान्यता दोस्तों ऐसी है कि जब आप किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, अगर यहाँ आते हैं हरिद्वार की कोई भी धार्मिक यात्रा करते हैं, तो दोस्तों महामाया के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यात्रा पूरी नहीं समझी जाती। चलो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताता हूँ महामाया मंदिर के बारे में। दोस्तों भगवान शिव को जब राजा दक्ष प्रजापति द्वारा निमंत्रण नहीं दिया गया, जो कि उनके ससुर थे, तब माँ सती को इस पर क्रोध आया और वो वहाँ पहुँची। जब उन्होंने अपने पिताजी से इस बारे में बोला तो दोस्तों उनका जो जवाब था वो अत्यधिक दुखद था, जो कि माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया और माँ सती बिल्कुल नाराज़ होकर के सती कुंड में वहीं अपनी आहुति दे दी। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महामाया मंदिर में, चलो अंदर चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर पार्किंग पूरी बहुत बेहतरीन पार्किंग की व्यवस्था है। ये देखिए यहां पर बस भी खड़ी कर सकते हैं, कार तो आसानी से हो ही जाएगी। ये गीता भवन है दोस्तों, यहां पार्किंग की भी, यहां पर भी पार्क हो सकता है। और दोस्तों ये इंटर कॉलेज बना हुआ है, ये सामने ही माता रानी का भव्य दरबार है। चलो चलते हैं दोस्तों अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। चलिए दोस्तों, दोस्तों वैसे यहाँ पर मंदिर में फ़ोटो खींचने के लिए पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि आप फ़ोटो नहीं खींचेंगे, पर दोस्तों ये मेरा रोज़गार है, इस तरह मना करना गलत है। हम गर्भगृह की फ़ोटो नहीं खींचेंगे, पर बाहर मंदिर की फ़ोटो खींच सकते हैं और यहाँ की व्यवस्था तो बता ही सकते हैं, ताकि यात्रियों को प्रॉब्लम ना आए और यात्री आसानी से मंदिर तक दर्शन के लिए पहुँच पाए। दोस्तों यहीं पर बहुत अच्छी धर्मशाला भी है, यहीं आप सामने माँ तारानी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर भगवान ये दत्तात्रेय का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यह शक्तिपीठ ऐसी जगह में है, यह शक्तिपीठ दोस्तों त्रिकोणीय है, पूर्व में माँ चंडी देवी है, उत्तर में माँ मनसा देवी है और दक्षिण में माँ शीतला माता है, देखिए दोस्तों, और बीच में विराजमान है महामाया। इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर आएँ, बहुत मान्यता है यहाँ की। दोस्तों मैं आपको इस समय लेके आ गया हूँ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में। दोस्तों आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं माँ गंगा के मंदिर का। दोस्तों सामने ही घंटाघर है और आप देख रहे हैं इस समय बहुत ही बढ़िया
नज़ारा। दोस्तों मेरी दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखाता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, जय माता।